ये लुधियाना शहर दोस्तों, लुधियाना शहर में ये एक बुढ़ा दरिया भी है और इस बुढ़ा दरिया के साथ साथ बहुत सारे लाखों लोग रहते हैं। 14 किलोमीटर का एरिया जे और 14 किलोमीटर में बहुत सारे लोग रहते हैं, किराए पर रहते हैं, माइग्रेंट लोग हैं। और देखिए ये जो सभी लोग रहते हैं, कोई रेड़ा चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई कुछ ना कुछ कारोबार करते हैं। देखिए सब पानी अपना अपना भर लेते हैं जहाँ पर, देखिए पानी रखा हुआ है लोगों ने, पानी कब चला जाए सभी का बाल्टी अपना अपना। ये प्लास्टिक का जो बाल्टी है ना, ये कलर वाला जो पेंट वाला होता है, ये बहुत मजबूत होता है, सभी के पास यही है। ये टूटता नहीं, ये बाल्टी पक्का होता है। और देखिए सब रेड़े वाले हैं जितने भी हैं, तो सब्जी लगाते हैं या क्या क्या लगाते हैं, सब्जी वाले हैं सभी। और ये सब्जी वाले हैं सभी लोग, तो देखिए जब इनका सब क्वार्टर है जहाँ पे, और देखिए जहाँ पर ये इनका सभी का पानी अपना भर लेते हैं और जहाँ पर ये सारा काम करते हैं अपना। देखिए सभी का पानी अपना भर के रखा हुआ है और जहाँ पर इनके बच्चे जो हैं आज बड़े हो चुके हैं और स्कूलों में जाते हैं पढ़ते हैं। और ये हमारा हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हमारे जो बड़े बड़े नेता लोग हैं कहते हैं कोई भूखा ना सोए, लेकिन जब कारोबार मिलेगा तभी तो वो कमाएंगे खाएंगे। तो देखिए लुधियाना शहर के ऐसे बेड़े होते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, कारोबार करते हैं और सभी अपनी जरूरत की चीज़ें होती हैं। जब कूलर सभी के लगे हुए हैं यहाँ पर, अभी एसी नहीं, कूलर ही हैं ये, और सभी के कपड़े ऐसे सुखाते हैं ये कपड़े ऐसे सब अपने अपने घर के आगे सुखाते हैं। और ये सभी की डिश लगी हुई है और देखिए ये सीढ़ियाँ इनके जाने जाने के लिए, छोटे छोटे क्वार्टर होते हैं, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 5 क्वार्टर, 6 क्वार्टर, 7 क्वार्टर, 8 क्वार्टर, 9 क्वार्टर, 10 क्वार्टर, 1500 रुपये इसका किराया होता है। और देखिए अभी मैं आपको दिखाया कि लुधियाना शहर में जो माइग्रेंट लोग हैं किस तरह अपने अपने क्वार्टरों में रहते हैं और किस तरह ये रास्ता बना हुआ है और किस तरह ये सभी के कूलर, अब सर्दी है सब बंद हो चुके हैं और सभी के यहाँ पर वाशिंग मशीन भी सभी ने रखा हुआ है और उसके बाद सभी के डिश टीवी लगा हुआ है, टीवी भी सभी के हैं और इनके बच्चे सब पढ़ते हैं। और समय समय पर जहाँ पर अलग अलग टाइम पर, ये देखिए सीढ़ियाँ में चढ़ के ऊपर आ गया हूँ और यहाँ भी 2-4 क्वार्टर बन गए हैं और यहाँ भी कपड़े सुला रखे हैं और यहाँ पर एनजीओ वाले आकर कुछ ना कुछ इन बच्चों को सिखाते रहते हैं, बतलाते रहते हैं। और ये देखिए छत है इनके घरों की, और ये कभी स्कूल बना था लेकिन स्कूल नहीं चला तो यहाँ पर भी क्वार्टर बन गए हैं। और साथ साथ ये दरिया और लोग और ये आसमान और आसमान के नीचे रहने वाले ये लोग, तो देखिए चलते चलते मैं जहाँ पहुँचा तो मैंने सोचा कि आपको लुधियाना शहर के जो बेड़े होते हैं वो भी हम आपको दिखा दें कि लोग रोजी रोटी कमाने के लिए कैसे दूसरे प्रदेशों से आते हैं, कैसे अपना कारोबार करते हैं, कैसे गुजारा करते हैं और कैसे बच्चे बड़े होकर पढ़ने के लिए जाते हैं। और अब ये बच्चे पढ़कर कहीं ना कहीं नौकरी करने लग गए हैं। और देखिए सभी ने, ये सभी लोग महिलाएं जो घरों में काम करती हैं, मेड हैं जी, और ये मनी प्लांट भी सभी ने लगा रखे हैं कि पैसा आएगा। और देखिए कुवार के मेट भी, देखिए जहाँ पर जहाँ कोई जगह मिलती है वहीं पर सब ने सामान रखा, पानी अपना अपना है भैया। ये देखिए कपड़े अपने घर के आगे सुखा रखे हैं, वाशिंग मशीन भी हैं सभी के पास। और देखिए मैंने अभी आपको दिखाया जी लुधियाना शहर और लुधियाना शहर में रहने वाले लोग जो दूसरे शहरों से आकर, दूसरे देश प्रदेश से आकर यहाँ पर रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सभी के पास अपना अपना ये रेड़ा रखा हुआ है, ये मुर्गा भी यहाँ रखा हुआ है, इतना अच्छा मुर्गा है भैया, वाह। ये तुम्हारा मुर्गा? हाँ जी, मुर्गा तुम्हारा है? हमारा है। क्या क्या नाम रखा है इसका? इसका नाम हम कुछ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, नाम नहीं रखा है इसका? अरे नाम भी तो रखो ना इसका कुछ, हैं इतना अच्छा है ये, देखने में कितना सुंदर लगता है। एक नहीं दो हैं ये तो यार, ये देसी मुर्गा है, देसी कहीं रखे हुए हैं, वाह जी वाह। आपने शौक तो पूरे करते हो आप लोग, हाँ नाम तो रखो ना इनका, हाँ इसका क्या नाम है? लल्ली चिट्टी, नाम लल्ली है। लल्ली है, देखिए एक और आगे उधर से,
ये बढ़िया लग रहा है मेरे को सबसे। ये मुर्गा है, ये राजा है जहाँ का है। देखो आप लोग भी यहाँ प्रदेशों से आके काम करते हो, मजदूरी करते हो, सब्जी का काम करते ज़्यादा है, सब्जी का। आज तो रेड़ा सब बेच कर आ गए। आजकल कितना किराया चल रहा है? 1000-1500 ये है, 1600 कुछ है, 1800 2200 2000। चलो कुछ लोग तो उधर हमारी तरफ चले गए ना। हाँ वहाँ चले गए। हाँ हमारे में चले गए ना, वहाँ पे हमारे वहाँ हाँ सभी वहाँ में चले गए। हमारे पास ये लैंड टूटा था जितना। चलो हम भी देखते हैं ना, लोगों को दिखाते हैं भी। देखिए हम लोग भी यहाँ, हमारे जो बच्चे जो हम कनाडा में गए वो भी ऐसे ही रहते हैं, और आप लोग दूसरे प्रदेशों से रह के, हमारे जैसे हमारे बच्चे कनाडा में रहते हैं वैसे हम लोग यहाँ रहते हैं। प्रदेश में तो ऐसे ही होता है भाई, फिर भी शौक तो पूरा होना चाहिए ना। तो चलो बढ़िया है, बच्चे तो स्कूल जाकर जाने लगे ना, बच्चे तो पढ़ लिख गए ना आपके। कितने साल हो गए लुधियाना में? हो गया करीबन 20 साल। 20 साल हो गए। तुम्हारे बच्चा तो कौन सी क्लास में पढ़ता है? एक है इंटर में है, एक है 11वीं में, एक 10वीं-9वीं में है, एक है 4th क्लास में। अच्छा, 10वीं-11वीं-12वीं सब पढ़ गए ना। अब तो सब्जी का काम नहीं करेंगे, और काम करेंगे वो? तो वो बच्चे लड़कियाँ आई हैं, वो लड़कियाँ तो अच्छी काम करेंगी ना। तो बाकी तो घरों में काम करने भी जाती होगी ना। हाँ जब टाइम मिल रहा है, टाइम आए पढ़ने जाती है भाई। नहीं घरों में भी तो चलो पैसा मिल ही जाता है, जितने भी लोग जाते हैं घरों में भी तो काम करना होता है, खर्चा तो निकल ही जाता है। चलो ठीक है, आज वहाँ कंपटीशन हुआ था ना, तब इधर आए थे हम, बच्चों को पेंटिंग्स खिला रहे हैं।